अरे इतना आसान लग रहा तो पिछले सेमेस्टर में क्यों नहीं निकाला फिर? सारा बोझ उठा के अगर मैं भी ये सिस्टम क्या पता नहीं अब मुझे, ये CBCS पैटर्न जो है, तुम 10 बैकलॉग लेके जा सकते आगे कि नहीं जा सकते पता नहीं मुझे, ठीक? तो ले भी गए तुम कितना बोझ उठाओगे अगले सेमेस्टर में, और डेंजर डेंजर तुम्हारा इंतजार कर रहा है पहले से, फिर कन्फ्यूजन होगा सॉम दू टॉम दू, टॉम 1 दू कि टॉम 2 दू। बहुत बुरा हाल होगा। हाँ लेंथ कितना लिखूँ L1 L2? 500 500? नहीं ना, ये एक कि पूरा कितना बोला था आपने, इसका लेंथ कितना बोला था? 250 ना, तो सेम पाइप अभी यहाँ पे उठा के लगाया तो ये कितना हुआ? 250 मीटर। ये भी 250 मीटर, टोटल हुआ ना बराबर 500 मीटर। टैंक बोला था ना 500 मीटर अपार्ट। ओके ठीक। हाँ और क्या करेंगे इसमें? फाइंड क्या करना है इसमें? लेवल डिफरेंस मतलब एच निकालना है ना अपने को। डन, चलो करते हैं। डायग्राम बना के काम करो, बिना डायग्राम नहीं करना सॉल्व। और प्रपोज्ड है डायग्राम, एक पाइप थोड़ा छोटा एक पाइप थोड़ा बड़ा दिखने दो।
आया किसी का एच आया 14.6 1.8 कुछ बोला था 14.6 V1 V2 निकाला क्या तुमने? V1 V2 निकाला नहीं, फिर डायरेक्ट सीधा सीधा करना था ना, टोटल एच इक्वल टू HF1 प्लस HF2 और सीधा सेम डिस्चार्ज बोला है ना, तो इसमें डिस्चार्ज कितना था 0.1, तो यही डिस्चार्ज यहाँ पे है 0.1। और अपने को पता है सीरीज में Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q होता है, तो सीधा सीधा FLQ² अपॉन 12.1 d^5 फॉर पाइप 1, FLQ² अपॉन 12.1 d^5 फॉर पाइप 2, खत्म। एक्चुअली देखा जाए तो सारा कॉमन ही निकाल सकते थे तुम, FLQ अपॉन 12.1 सारा कॉमन, बस बचता उधर 1 अपॉन d^1 प्लस 1 अपॉन d^2 हो गया। आया एच 14.6, और कई लोगों को ये पता ही नहीं शायद, ये एच मतलब ऐसे किधर भी दिखा रहे हवा में, एच मतलब दो टैंक के लेवल का डिफरेंस। लिखते हैं लेटेस्ट पेपर का सम, दिसंबर 15 7 marks, दिसंबर 15 7 marks। अ 45 मीटर लॉन्ग पाइप connects two reservoirs comma each pipe is 15 meter in length comma the first and last pipe has 50 mm diameter, 50. And first and last pipe 50 mm in diameter, and intermediate pipe is
30 mm इन डायमीटर, 30। फुल स्टॉप। द लेवल डिफरेंस ऑफ टैंक द लेवल डिफरेंस ऑफ टैंक इज 15 meter, 15। टेक एफ इक्वल टू 0.005। फाइंड फ्लो रेट, फाइंड फ्लो रेट एंड ड्रॉ एच जी एल एंड टी एल, ड्रॉ एच जी एल एंड टी एल। कुछ याद है ना? हाँ, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। तो अप टू फ्लो रेट तो नॉर्मल सम है ना? सॉल्व। अप टू फ्लो रेट तो नॉर्मल सम है, सॉल्व। निगलेक्ट माइनर लॉस बोला है क्या? नहीं, तो बाय डिफॉल्ट कंसीडर करना है। चलो मैं करता हूँ, जाने दो। पहला पाइप कितना है, लेंथ कितना है, सबका सेम है? ओके, डायमीटर कम हो रहा है ना? डायमीटर कम हो रहा है ना? एच कितना दिया है? वही 15। एंड डायमीटर फर्स्ट और लास्ट का कितना है? 0.05। और मिडल 0.03। समझा ना? हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया तब भी चलेगा, कुछ तकलीफ नहीं है। सेम है कल जैसा ही सब हुआ ना? अपना डायमीटर दोनों का सेम है, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा, ठीक है? मतलब V1 इक्वल टू V3 है, तो V2 को भी लाना है इन टर्म्स ऑफ V1। तो क्या लिखा जाएगा? वो D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर इंटू V1। चलेगा ना? डायरेक्ट लिखा तो समझता है ना? कितना आता है देखो, 2.75। 77 चेक करो जरा सब लोग। नाउ एच इक्वल टू क्या क्या आएगा? HF1 एंट्री कॉन्ट्रैक्शन, HF2 एक्सपांशन, HF3 प्लस एग्जिट। मतलब क्या हुआ? 15 इक्वल टू एफ कितना है?
नहीं, पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ, रहने दो। एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD पाइप वन का एंट्री 0.5 V1 स्क्वायर बाय 2 G प्लस कॉन्ट्रैक्शन 0.5 V2 स्क्वायर बाय 2 G कॉन्ट्रैक्शन के बाद का HF2 FL V स्क्वायर बाय 2 GD पाइप टू का एनलार्जमेंट। क्या लिखो? एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट हुआ ना पहले का और बाद का, मतलब V2 माइनस V3 का स्क्वायर बाय 2 G बराबर, ठीक, प्लस HF3 FL V स्क्वायर बाय 2 GD पाइप थ्री का और एग्जिट का V3 स्क्वायर बाय 2 G। 2 G कॉमन निकाल कर रख दिया बाहर, 1 बाय 2 G। हाँ, F कितना था? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। पहले कितना था? 0.005। जीरो पॉइंट जीरो टू लेंथ तो 15 है सबका, V1 स्क्वायर अपॉन 0.05 प्लस 0.5 V1 स्क्वायर प्लस 0.5 V2 के जगह पे 2.777 V1 द ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0.02 लेंथ 15 V2 है वहां पे, V2 के जगह पे फिर से 2.77 V1 द ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 0.03। समझ रहा ना कि डिसाइड कर लिया इसके बारे में कुछ? डिसाइड नहीं किया ना, ठीक। प्लस V2 2.77 V1 और V3 का मतलब ही V1 का स्क्वायर बाय कुछ नहीं प्लस 0.02 इंटू 15 V1 स्क्वायर अपॉन 0.05 प्लस V1 स्क्वायर यहां पे क्लोज। आ गया आंसर? कोई डाउट? एक एक टर्म का आंसर बताओ ना कितना आ रहा है। पहला टर्म पहला कितना आ रहा है? 6। सिक्स V1 स्क्वायर। अगला तो है 0.5 V1 स्क्वायर। नेक्स्ट 27 किधर से आएगा? कुछ भी। कभी कैलकुलेशन भी करने का? पूरा आ गया V1 आ गया।
0.5 × 2.77 का स्क्वायर 2.83, 3.83, 3.836 V1 स्क्वायर। हाँ और कितना आ रहा है आगे वो वाला? नहीं 0.05 था ना, इनटू 4 किया ना अपन ने। ना ना मैंने ये बोला था अगर डबल डिजिट हो तो बाय डिफॉल्ट तुमको मल्टीप्लाई 4 करना है। ये अगला वैल्यू कितना है? ये वाला 77.12। ये 2.777 लिया कि 77 लिया उससे फर्क पड़ेगा। ओके स्लाइट डिफरेंस आएगा। 777 लिया कितना आता है फिर? 77.117 V1 स्क्वायर। ओके प्लस ये वाला 3.13। डायरेक्ट आंसर मत निकालो, ये सब लगने वाला है नहीं तो मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ देता ये सारा। ओके पता है तुम ईएस वाले डायरेक्टली कैल्शियम फीड करके V1 बता भी देंगे, लेकिन ये कल के जैसा फिर लगेगा फाइंड इंडिविजुअल लॉस। ओके इसलिए निकाल रहा हूं मैं। हाँ प्लस प्लस अगला टर्म 6 ही आएगा और वो तो प्लस V1 स्क्वायर। हाँ अब जरा बताओ V1 का आंसर अब बताओ। हाँ मैं पता था तुम लोग निकाल के बैठे रहे। 1.745 मीटर पर सेकंड और क्यू इक्वल टू पाई बाय 4.05 का स्क्वायर V1 3.146 416 10^2 आया क्यू। निकालो कॉपी करने वाले जल्दी जल्दी करो। जिनका हो गया इंडिविजुअल लॉस निकालो हर एक का, बस मल्टीप्लाई करना है। अभी तो आज समझ जाएंगे ना। सवाल ये है क्यों निकालना है इंडिविजुअल लॉस? HGLTL ड्रॉ करने के लिए लगता है वो, इसे निकालना है। नहीं यार आंसर आया ना। आया ना सबका V1 आया ना? कुछ डाउट है मन में? कुछ डाउट है जर मन में? थोड़ा बहुत समझ रहा है?
एब्सेंट रहेगा तो थोड़ा तो तकलीफ होगा। इसमें समझने में कुछ तकलीफ था, तेरे लिए सॉल्व किया मैंने पूरा सम, पता है। सबका हो गया यहां तक लिख के हुआ पूरा? हटाऊं? हो गया सबका, हो गया। पहला लॉस एच एफ वन का कितना आंसर आ रहा है? आंसर मल्टीप्लाई कर दो, 6V1² / 2G, 0.93। अगला 0.5V1² / 2G, मतलब वो कौन था अपना एंट्री 0.077 आया। आगे कॉन्ट्रैक्शन 3.836V1² / 2G, 0.59, 5 and 5, ठीक है। जो भी आया तुम्हारा लिखो, ऐसा कुछ नहीं, हल्का फुल्का डिजिट डिफरेंस होगा। 5.9 तो आया कि नहीं? लेकिन हाँ, एच एफ टू अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो एच एफ वाले वैल्यू कितने बड़े हैं, ठीक है। कितना बोला ये? 11 पॉइंट आया, ठीक है। 11.848, हाँ ठीक है, जो भी आया लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुश रहे। ओके आगे देन एनलार्जमेंट 486। आगे एच एफ थ्री तो सेम है, 9 to 5 एंड एग्जिट। देखो आज जल्दी हुआ कि इंडिविजुअल लॉस, कल इसी में गया 10 मिनट तुम्हारा। हर कोई एकदम खुशी खुशी वापस फॉर्मूला लिख रहा है, वैल्यू पुट कर रहा है, आंसर निकाल रहा है। अब ड्रॉ करते वो HGLTL,
सुनेंगे जरा सा, ध्यान से सुनेंगे, डायग्राम फिर से ड्रॉ करना और बड़ा ड्रॉ करना, थोड़ा सा क्लियर होगा। अभी जो इतने लॉस है जो हम निकालते हैं, अभी तुमको इसका मतलब समझ में आएगा ये डायग्राम देख के। ओके, अपना ये टोटल डिफरेंस था 15 मीटर्स, सबको ऐड करेंगे तो आंसर आने वाला है 15 मीटर्स, वो समझता है ना? ठीक ना, जब पानी एंटर होगा यहाँ पे, तो पहले एंट्री लॉस, फिर फ्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, फ्रिक्शन, अगेन फ्रिक्शन, पता है हमें। ठीक है, तो अभी वो ड्रॉ करना है अपने को, लाइक जैसे अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं कोई वैसे। ठीक, जैसे पानी एंटर होगा यहाँ पे, पहला लॉस कितना हो रहा है? एंट्री लॉस, पहले HF नहीं हो रहा है, पहले क्या होगा? पाइप, पाइप में पानी जाएगा तभी तो फ्रिक्शन होगा। ठीक है, पहले फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक, तो पहला लॉस क्या? एंट्री लॉस। तो ये टैंक का जो लेवल था, ये शुरू में थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब यहाँ से शुरू होगा लाइन, ना कि यहाँ से शुरू होगा। और वो वैल्यू कितने से रिड्यूस हुआ? 0.077 से। ये समझा पहले? ठीक, अच्छा, फिर उसमें क्या हुआ? फ्रिक्शन कितना? 0.925, मतलब यहाँ से ये नीचे आया। अब ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू किया मैंने। ठीक है, ये अब यहाँ पे आके मैं रुक गया इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे, तो ये वैल्यू कितना रिड्यूस हुआ? जितना ये फ्रिक्शन हुआ ना, अपने को ये लाइन कनेक्ट करते 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 इस लेवल तक पहुंचना है। ओके, ठीक, हाँ, कितना लॉस हुआ ये? 0.925, और ये कितना था? 0.077। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा फिर से? कॉन्ट्रैक्शन, उसमें लॉस हुआ कॉन्ट्रैक्शन का, कितना? 0.595। तो यहाँ पे लाइन थोड़ा सा नीचे आ गया, कितने से नीचे आया? 0.595। अब फिर से क्या हुआ पाइप में? फ्रिक्शन, फिर से वैल्यू डाउन हो गया, कितने से? थोड़ा प्रोपोर्शनेट बनाना, 11.81। अब क्या हुआ फिर से? एनलार्जमेंट, कितना? 0.486, थोड़ा और कम हो गया, 0.486। उसके बाद फ्रिक्शन, 0.925, यहाँ पे जाके कनेक्ट हो गया। और ये डिफरेंस कितना रहेगा लास्ट का? एग्जिट का लॉस ना, समझा? समझा ना? ठीक, 0.155, और ये डिफरेंस कितना था अपना? 0.925। अब अगर इन सबको अगर ऐड कर देंगे हम, तो आंसर कितना आएगा? 15 मीटर्स। क्लियर? फिर से एक बार, पहला ये एंट्री लॉस, फ्रिक्शन लॉस, माइनर लॉस के लिए अपन वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और फ्रिक्शन लॉस के लिए हम इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर, क्योंकि वो बड़ा वैल्यू है। ठीक, ये रिड्यूस हुआ 0.925, ये रिड्यूस, फिर फ्रिक्शन, फिर रिड्यूस, फिर फ्रिक्शन, फिर रिड्यूस। अब सवाल ये है, समझा कि नहीं? और ये कौन सा लाइन था, वो बड़ा सवाल है। HGL था कि TL था? ये था TL। अपन ने इसमें सब कुछ कंसिडर किया ना, ओनली प्रेशर हेड, अपना बर्नौलिस P/γ प्लस Z अगर हम ले, तो इसको हम बोलते थे HGL। P/γ प्लस Z प्लस V1² / 2G अगर ले, तो उसको बोलते थे हम TL, बराबर ना? तो अपन ने वेलोसिटी हेड कंसिडर किया कि नहीं किया? V² / 2G लिया कि नहीं लिया? लिया है ना सब में? ठीक, तो वो जो लाइन बनेगा उसका नाम क्या होगा? टोटल एनर्जी ना, कि हाइड्रोलिक ग्रेड, क्या होगा? टोटल हेड। तो ये अपना कौन सा लाइन बना अभी से? TEL, ये पूरा। अब क्या चाहिए? HGL, उसी को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो जो पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा, उस लाइन को हम बोलेंगे HGL। याद है तब बताया था तुमको मैंने, वो एक ऐसा
डायग्राम ड्रॉ करके बताया था कि एच जी एल टी एल क्या होता है करके। तो अपन ने पीजोमीटर लगाए थे यहाँ पे और एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ किया था अपन ने। कुछ याद आया? ठीक नहीं यार, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। ठीक 7 मार्क में से 2 मार्क ही है इसको। ठीक 5 मार्क अपने को उतना सफिशेंट है, अपने को कौन सा लालच है अपने को 7 मार्क का। ठीक है अपन 5 में क्या, अपन तो 4 में भी खुश हैं। ठीक अपने को गिन गिन के 20 तो करने हैं पूरे। ठीक 25 मिला तो लोग नाराज थे, 25 मिला यार कमाल हो गया। नाउ अब एचजीएल, एचजीएल सिंपली इसको पैरेलल ड्रॉ कर देना। ये इतना करो तुम, वहां पे खिचड़ी होगा फिर। उस लाइन के नीचे और एक पैरेलल ड्रॉ करना है, उसके लिए भी जगह छोड़ना। बोला था डायग्राम बड़ा निकाला। हुआ क्या? हो गया ना? देखो एचजीएल का मतलब क्या बोला था, पी बाय गामा प्लस डायटम, प्रेशर हेड प्लस डायटम, दैट इज एचजीएल। टीएल प्रेशर हेड, डायटम हेड एंड वेलोसिटी हेड। तो अभी टीएल ड्रॉ किया है तो एचजीएल के लिए इसमें से क्या कम करना पड़ेगा? वेलोसिटी हेड। और सबको अपन ने कौन से वेलोसिटी हेड के टर्म में रखा था? v1 स्क्वायर बाय 2g ना। तो सब में से अगर इसको कम कर देंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा ना। और v1 स्क्वायर बाय 2g मतलब कौन सा लॉस था? कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, एग्जिट ना, याद आया? तो सब में से अगर ये वैल्यू, ये वैल्यू अपना लास्ट का वैल्यू है ना 0.155, तो सब में से अगर ये वैल्यू हम कम कर दे तो अपने को कौन सा लाइन मिल जाएगा? कौन सा मिल जाएगा? एचजीएल। इसका मतलब ये जो इतना डिफरेंस है सब में से इतना कम करना है ना बस, समझा? ठीक, तो इसके नीचे इतने वैल्यू से, इतने वैल्यू से लाइन शुरू होगा ना अभी, समझ रहा है? ठीक सेम इसको पैरेलल सेम। अब ये बराबर यहां पे कनेक्ट होगा,
हाँ समझा, फिर से एक बार। ठीक, वो जो लाइन था ऊपर वाला, उसको रिड्यूस करना है। कितने से रिड्यूस करना है? बाय वेलोसिटी हेड। कौन सा वेलोसिटी हेड? v1² / 2g। v1² / 2g का वैल्यू कितना है? 0.15। मतलब हर एक लाइन को नीचे शिफ्ट करना है। कितने से नीचे शिफ्ट करना है? 0.155 से। तो इसको 0.155 से नीचे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे ना अपन। हर एक को नीचे शिफ्ट करना है 0.155 से। एंड नाउ दिस लाइन इज HGL। समझा? कोई डाउट? लाइन के ऊपर लिखवा कौन सा एच जेल है कौन सा टी जेल है। HGL TL ड्रॉ करने को बोला, तुमको सारे लॉस निकालने पड़ेंगे, याद रखना, क्योंकि ये वैल्यू तभी मिलेंगे जब सारे लॉसेस तुम्हारे पास होंगे। ठीक है, लिखते हैं होमवर्क के लिए, लिखते हैं। फाइंड फाइंड डिफरेंस इन एलिवेशन, फाइंड डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ टू टैंक्स कनेक्टेड बाय, फाइंड डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ टू टैंक्स कनेक्टेड बाय हॉरिजेंटल पाइप ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 400 मीटर लेंथ, एंड 400 मीटर लेंथ। फुल स्टॉप। द फ्लो रेट, द फ्लो रेट ऑफ वाटर इज 300 LPS, 300 LPS। एफ इक्वल टू 0.008। अल्सो ड्रॉ एच जी एल टी एल, अल्सो ड्रॉ एच जी एल टी एल। एक सिंगल ही पाइप है इसमें, ना कॉन्ट्रैक्शन है ना एक्सपांशन है। एकदम सिंपल सा सवाल है। दिसंबर में अभी तक आना बाकी है उसमें। दूसरा सम लिखते लिखते, हाँ, पूरा हफ्ता छुट्टी है उसमें क्या। बस बस L1 लिखते हैं सीधा, क्वेश्चन में सीधा लिखो L1। L1 400 मीटर, L1 400, L2 800, L3 1200, D1 L1 400, L2 800, L3 1200। ओके मीटर। D1 200 mm, D2 400 mm एंड D3 600 mm। लेवल डिफरेंस 20 मीटर, मतलब H 20 मीटर। एफ इक्वल टू 0.006। फाइंड डिस्चार्ज इफ, पहला केस निग्लेक्टिंग माइनर लॉस, दूसरा केस कंसिडरिंग माइनर लॉस। ठीक है, दो सम तुमको दिया, स्टॉप करते हैं यहां।